वक्त हमारे साथ भाजपा के महासचिव विजय पाठक जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर क्या कारण है कि जो है प्रधानमंत्री को रायबरेली किया था। पाठक साहब बताएं कि क्या कारण है कि आग लिया। देखो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और रायबरेली में भी प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री निर्णय किया। आप तो यहीं के निवासी हैं, आप जानते हैं कि रायबरेली के लोग कितने वर्षों बाद प्रधानमंत्री से रूबरू हो रहे हैं। जाहिर बात है हमारी प्राथमिकता है विकास और विकास में रायबरेली की भी भागीदारी है, इसलिए प्रधानमंत्री का आगमन। सर एक चीज मुझे बताइए, चुनाव के जस्ट पहले क्यों याद आई? अब पिछले साढ़े चार साल में यह तो तय है ना कि साढ़े चार पांच वर्ष में लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, तो पांच वर्ष में चुनाव होगा तो चुनाव होगा। लेकिन हम तो आए भी, बाकी लोगों से पूछिए उनके भी प्रधानमंत्री है कितनी बार ले आए। केएल शर्मा जी जो सोनिया जी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ये इनके दावे हैं, इनकी घोषणाएं, ये सब हवा हवाई हैं। और ये प्रश्न में ला के जो है कोच फैक्ट्री में जो है इतना बड़ा वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि केएल शर्मा जी कहेंगे कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? रेल कोच फैक्ट्री में आकर के प्रधानमंत्री उन अधिकारियों कर्मचारियों के उत्साहवर्धन कर रहे हैं जिनकी देश के निर्माण में भागीदारी है, उनका योगदान है, तो केएल शर्मा को क्यों पीड़ा हो रही भाई? हमको एक चीज ये बता दीजिए, रायबरेली में आप कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो सोनिया को टक्कर दे सके, पूरी तरह से जिताऊ कैंडिडेट? हम मान के चले अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं और जब चुनाव की घोषणा होगी तो आपको उम्मीदवार बता देंगे।